कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक थी, जिसके चलते लॉकडाउन लगाया गया और अनलॉकिंग भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि अब महाराष्ट्र मुंबई में भी केसेस कम मिल रहे हैं। लेकिन क्या यही एक फायदेमंद होगा? वैसे तो आम जनता पहले से इन सभी से त्रस्त है, लेकिन सभी के मन में एक सवाल है, क्या इस अनलॉकिंग के बीच उस सेवा को शुरू की जाए जिसे लेकर दूसरी लहर में सबसे ज्यादा उसी को खतरनाक बताया गया था। सभी जानते होंगे कि दूसरी लहर में जिसे बताया गया था कि कोरोना वायरस जिससे सबसे ज्यादा बड़ा है, वो कौन सी सेवा थी? इससे जुड़े कुछ सवाल के जवाब हम आज देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी, आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हुआ है, हालांकि संभावित तीसरी लहर ने टेंशन बढ़ा रही है। दूसरी लहर के कम होने के बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीकों से सभी जरूरी गतिविधियों को बहाल किया जा रहा है। इन सब के बीच मुंबई करों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुंबई की लोकल में सफर की इजाजत कब मिलेगी। कार्यकर्ताओं, राजनीतिक नेताओं और आम यात्रियों की जोरदार मांग के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को कहा है कि मुंबई लोकल ट्रेनें शुरू की जा सकती है, लेकिन तभी जब राज्य टीकाकरण में तेजी लाए और इसके लिए केंद्र को टीकों को प्रचुर मात्रा में आपूर्ति करनी होगी। उन्होंने कहा है कि जिलों को लेवल 3 के तहत लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मुंबई लोकल ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हुई है और सवाल ये है कि लोग यात्रा कैसे करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यकर्ता और पत्रकार स्थानीय ट्रेनों को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं तो हमें टीकाकरण को अत्यधिक महत्व देना होगा। मान में केवल राज्य सरकार और लोक प्रशासन के अधिकारियों और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति है। इस हफ्ते कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी कि जिन लोगों को टीकाकरण हो चुका है उन्हें लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए। टोपे ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य है जिनसे सबसे ज्यादा टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में दूसरी खुराक बची है वहाँ अधिक ध्यान देना होगा, उन जिलों पर भी ध्यान दिया जाएगा जहाँ संक्रमण अधिक है। साथ ही साथ जो जिले टीकाकरण में पिछड़ रहे हैं उन्हें भी आगे बढ़ाना होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान राज्य में लोकल ट्रेन सेवाओं को अप्रैल से दूसरी बार आम जनता के लिए निलंबित कर दिया गया था। मिलिंद देवड़ा के अलावा रेल यात्री परिषद ने भी मांग की कि टीकाकरण वाले लोगों के लिए ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की जाए। आज की महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के 8,418 नए मामले सामने आए और इस दौरान 10,548 इससे ठीक हुए। राज्य में बीते 24 घंटे में 171 लोगों की जान भी चली गई। महाराष्ट्र में संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,13,335 हो गया है और अब तक 1,23,531 लोगों को इस जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। यहाँ फिलहाल 1,14,297 एक्टिव केस हैं। अब देखते हैं कि दूसरी लहर में जब ट्रेन की सेवा आम जनता के लिए शुरू की गई थी तब कहा गया था कि इसी कारण की वजह से दूसरी लहर ने अपने पाँव पसारे हैं, लेकिन क्या ये बात सच थी? अब ये तो तीसरी लहर आने की आशंका के दौरान, जब अनलॉकिंग के दौरान ट्रेन सेवाएं दोबारा से आम जनता के लिए शुरू की जाएगी तब पता चलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि जिन लोगों का टीकाकरण हुआ है उनके सर्टिफिकेट को देख उन्हें ट्रेन में सेवा बहाल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी की कोई भी राय तो जरूर कमेंट करें, वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।